हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री कक्षा में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटल कार्बोनिल्स। तो मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं? मेटल प्लस सीओ एज ए लिगेंड अगर उसमें है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेटल कार्बोनिल्स बोलते हैं। तो जो मेटल होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं और वो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि सीओ के साथ कंबाइन करके वो मेटल कार्बोनिल्स फॉर्म करते हैं। मेटल कार्बोनिल्स जो होते हैं जनरली 99% जो होते हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। तो मेटल कार्बोनिल्स क्या क्या होते हैं अगर हम बात करें मेटल कार्बोनिल्स की? मेटल कार्बोनिल्स तो ये क्या होते हैं? मेटल प्लस सीओ एज ए लिगेंड होते हैं। तो अगर मेटल कार्बोनिल्स की बात करें तो वो क्या होते हैं? वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो करते हैं। तो कुछ ऐसे मेटल कार्बोनिल्स भी हैं जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो देखिए, तो वो क्या कर जाते हैं? वो डाइमराइज कर जाते हैं। जैसे कि बात करें एमएन CO5 की, तो ये क्या होता है? ये 7 + 5 × 2 इक्वल टू कितना? 17। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने? 17। तो ये क्या कर जाएगा? डाइमराइज कर जाएगा। और डाइमराइज कराने के बाद क्या बनेगा? Mn2CO10। तो ये बन जाएगा। और अभी ये क्या है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ये मैं कई बार निकाल चुकी हूँ इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रीवियस लेक्चर्स में भी। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। तो अब ये क्या है? स्टेबल मेटल कार्बोनिल्स है। अगर इसके अलावा हम बात करें वैनेडियम की, तो वैनेडियम CO6, तो अगर इसका डाइमराइजेशन कराए तो ये क्या बनेगा? V2 Vanadium 2 CO12। यानी कि एक वैनेडियम का कितने वैलेंसी हो जाएगी? V वैनेडियम, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे? CO6 CO6। और ये इनके बीच में क्या बन जाएगा? एक मेटल मेटल बॉन्ड। तो यहाँ पर जो वैनेडियम है उसका जो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर है वो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 और 1 मेटल मेटल बॉन्ड से 7। तो यहाँ पर जो वैनेडियम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और स्टेरिकली हिंड्रेंस होने की वजह से इसका जो साइज है वो स्टेरिकली क्या है? हिंड्रेंस है। तो स्टेरिकली हिंड्रेंस होने के कारण क्या होता है? ये नहीं बनता है। तो क्या ये जो मेटल कार्बोनिल है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करेगा? जी, ये जो कार्बोनिल है वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा और क्या बना देगा? देखिए यहाँ पर क्या है, वैनेडियम कितना होता है? 5 + 12। तो ये कितने होते हैं इसमें? 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अभी क्या करेगा? इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने के लिए। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा और बन जाएगा CO6-। अभी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 + 12 + 1 = 18। तो अभी क्या है? ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये भी मेटल कार्बोनिल है और ये भी मेटल कार्बोनिल है। ये डाइमराइज होके क्या बना लेगा? 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने लगेगा। और ये डाइमराइज नहीं हो सकता क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, तो वो स्टेबल नहीं होगा। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे मेटल कार्बोनिल्स के। तो ये मेटल कार्बोनिल्स हैं। अभी हम देखेंगे मेटल कार्बोनिल्स के टाइप्स यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, कि लिगेंड के बेसिस पे हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेटल, तो मेटल के बेसिस पे हम जो मेटल कार्बोनिल है उन्हें हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल अब हम पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। तो मेटल जो कार्बोनिल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन करेंगे तो कौन से दो बेसिस पे करेंगे? फर्स्ट जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, और जो सेकेंड होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेटल। तो नंबर ऑफ मेटल्स के बेसिस पे और नंबर ऑफ लिगेंड्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे? मेटल कार्बोनिल को क्लासिफाई करेंगे। तो मेटल क्लासिफिकेशन मेटल कार्बोनिल का क्या हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेटल्स। तो जो ये है इसको फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो ये क्या होगा? दूसरा, फर्स्ट होगा इसका होमोलेप्टिक
होमोलैक्टिक होमोलैक्टिक कार्बोनेट कॉम्प्लेक्सेस होमोलैक्टिक कार्बोनेट कॉम्प्लेक्सेस नंबर टू हिट्रोलैक्टिक मेटलिक कार्बोनिक कॉम्प्लेक्सेस। तो ये टू कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड करेंगे होमोलैक्टिक और हिट्रोलैक्टिक। तो इसको कैसे करेंगे होमोलैक्टिक कार्बोनिक जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें जो लिगेंड होते हैं वो क्या होते हैं मेटल प्लस सीओ यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड ही एज ए लिगेंड वर्क करता है। उसके अलावा अदर लिगेंड जो होते हैं प्रेजेंट नहीं होते किसमें होमोलैक्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में। अगर हम बात करें हिट्रोलैक्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस की तो हिट्रोलैक्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगेंड होते हैं वो कार्बोनिल भी प्रेजेंट होता है यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है उसके अलावा अदर लिगेंड भी प्रेजेंट होते हैं। तो वो वाले जो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हिट्रोलैक्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में आते हैं। देखिए इसमें जो होते हैं वो क्या होते हैं ये सिंपली होते हैं मेटल प्लस सीओ ऑनली सीओ एज लिगेंड तो ऑनली सीओ एज लिगेंड होगा। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल होगा इसमें जो मेटल होगा मेटल कोई भी हो सकता है लाइक Mn2CO10। तो इसमें जो लिगेंड है वो कौन सा है ओनली सीओ लिगेंड है इसमें। इसके अलावा अगर बात करें Fe2CO8 तो ये भी क्या है ये भी होमोलैक्टिक कार्बोनेट कॉम्प्लेक्सेस हैं। अगर हम बात करें हिट्रोलैक्टिक कार्बोनेट कॉम्प्लेक्सेस की तो इनमें क्या होता है इनमें मेटल होता है मेटल प्लस सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि सीओ पे एज ए लिगेंड होता है। इसके अलावा एक अदर लिगेंड भी होता है। अदर लिगेंड कौन सा हो सकता है अदर लिगेंड की अगर बात करें तो वो हो सकता है जैसे कि PR3 हो सकता है PPS3 इसके अलावा NO नाइट्रोसिन तो ये सब लिगेंड इसमें हो सकते हैं अदर लिगेंड। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल बन सकता है लाइक NiCO3 PPS3। तो ये एक एग्जाम्पल है हिट्रोलैक्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस की। तो ये हिट्रोलैक्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है क्यों क्योंकि इसमें सीओ लिगेंड के साथ ही अदर लिगेंड भी है और ये होमोलैक्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है जिसमें जो लिगेंड है वो ओनली सीओ है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड। तो ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड के उसपे हम क्या कर सकते हैं लिगेंड के बेसिस पे हम कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स को क्लासिफाई कर सकते हैं होमोलैक्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस और हिट्रोलैक्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। होमोलैक्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल प्लस सीओ एज ए ओनली सीओ क्या है ओनली लिगेंड है उसमें जैसे कि Mn2CO10 या फिर Fe2CO10। तो ये जो है वो किनके एग्जाम्पल है होमोलैक्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस के। हिट्रोलैक्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो उसमें क्या होता है मेटल प्लस सीओ प्लस लिगेंड जो लिगेंड है वो अदर है। तो अदर लिगेंड कौन कौन से हो सकते हैं PR3 हो सकता है PPS3 हो सकता है NO3 या फिर जो भी लिगेंड है वो हो सकता है। तो लाइक NiCO3 PPS3 यानी कि सीओ जो लिगेंड है उसके अलावा भी दूसरा लिगेंड प्रेजेंट है। तो ये थे ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड। अगर हम सेकेंड की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मेटल तो मेटल के बेसिस पे भी हम लिगेंड को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वो भी क्या होते हैं फर्दर टू टाइप्स के होते हैं वो होते हैं मोनो न्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स मेटल कार्बोनिल और हेट्रो न्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ मेटल की पे करें हम तो वो भी फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम उनको। तो फर्स्ट जो है वो होगा मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल और सेकेंड क्या होगा पॉली न्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस या मेटल कार्बोनिल। अगर हम बात करें मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल की तो मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल का मतलब क्या है तो मोनो से ही समझ में आ रहा है यानी कि सिंगल। तो इसमें क्या होगा जो मेटल होगा वो सिंगल मेटल होगा एक ही मेटल इसमें प्रेजेंट होगा। अगर इसके एग्जांपल करें जैसे कि Fe CO5 CrCO6 इसके अलावा अगर बात करें इसके अलावा FeCO5 CrCO6
CrCO6 हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें NiCO4 तो ये सब क्या है, ये मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिक है, मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिक जिसमें सिर्फ क्या है वन मेटल प्रेजेंट है, उसके बाद लिगेंड है। अगर हम बात करें पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिक की तो ये जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिक की सबसे पहले अगर बात करें तो पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिक होते क्या है, तो पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिक क्या होते हैं, मेटल जो होते हैं मोर देन टू होते हैं या मोर देन वन होते हैं, टू और मोर। अगर हम मेटल की बात करें वो दो या दो से ज्यादा होते हैं, टू और मोर। तो मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल टू और मोर, दो या दो से ज्यादा अगर मेटल प्रेजेंट है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल को फर्दर हम टू कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, वो क्या होगा, फर्स्ट जो होगा वो होगा होमोन्यूक्लियर होमोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। अगर सेकंड की बात करें वो क्या होगा, वो होगा हिट्रोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। तो जो होमोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल है उसका मतलब है जो लिगेंड या सॉरी जो मेटल प्रेजेंट है वो सेम मेटल प्रेजेंट है, होमो का मतलब सेम, तो जो मेटल प्रेजेंट है वो सेम ही होगा, दो या दो से ज्यादा तो मेटल होगा बट जो मेटल होगा वो सेम होगा। यानी कि अगर बात करें हम एग्जाम्पल अगर इसका देखें तो इसका एग्जाम्पल होगा Mn2CO10, इसके अलावा Fe2CO8, CO3, CO2, ये Fe9 होगा यहाँ पर, अगर मैंने क्लास में भी कराया तो Fe2CO9 होगा और CO2CO8 होगा। तो ये करेक्शन कर लीजिए, अगर यहाँ पर पहले भी लिखा है Fe2CO9 होगा, CO8 नहीं होगा, तो ये क्या है Fe2CO9 F और CO2CO8 हो गया। ये कोबाल्ट है तो कोबाल्ट 2CO8 हो गया। तो इसमें क्या है, जो मेटल है वो एक से ज्यादा है, इनकी दो है लेकिन जो मेटल है वो सेम ही है। अगर हम बात करें हिट्रोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल की तो उसमें क्या होगा, उसमें जो मेटल होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो हिट्रो मेटल कार्बोनिल की बात करें जैसे कि Mn cobalt CO4, तो इसमें क्या है, दो मेटल है और जो मेटल है वो अलग अलग है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया, ये हिट्रोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल का एग्जाम्पल हो गया, और होमोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल में जो मेटल है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसके अलावा जो पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल होते हैं वो अगर हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात करें या ब्रिजिंग टेंडेंसी के अकॉर्डिंग बात करें तो जो होमोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तो वहां पर क्या होते हैं, नो ब्रिजिंग, यहाँ पर ब्रिजिंग नहीं होती है। मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल में ब्रिजिंग नहीं होगी क्योंकि मेटल ही एक प्रेजेंट है तो वो ब्रिजिंग किसके साथ करेगा, मेटल ही वन प्रेजेंट है। लेकिन जो ये होता है इसमें दो टाइप्स के वो होते हैं पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ब्रिजिंग होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ब्रिजिंग नहीं होती। अगर हम बात करें पॉलीन्यूक्लियर में ब्रिजिंग वाले तो आपको पता है कि Fe2CO9 जो है उसमें क्या होती है, ब्रिजिंग होती है। अगर CO2CO8 की अगर बात करें तो सॉलिड स्टेट में ब्रिजिंग होती है और जो इसका लिक्विड स्टेट होती है यानी कि सॉल्यूशन स्टेट होती है उसमें ब्रिजिंग नहीं होती है, उसमें सभी CO क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल। तो अभी हमने देखा है मेटल कार्बोनिल का क्लासिफिकेशन, हमने दो बेसिस पे देखा था, लिगेंड के बेसिस पे और नंबर ऑफ मेटल के बेसिस पे, और इसके अलावा हम बोल सकते हैं ब्रिजिंग टेंडेंसी के अकॉर्डिंग में हमने पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स को डिवाइड किया था। अभी हम देखेंगे बॉन्डिंग क्या होती है मेटल कार्बोनिल्स से। तो मेटल जो कार्बोनिल्स होते हैं उसमें बॉन्डिंग कितने टाइप्स की होती है, तो जो मेटल कार्बोनिल्स होती है उनमें बॉन्डिंग टू टाइप्स की होती है। तो फर्स्ट जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। तो अगर बॉन्डिंग की बात करें मेटल कार्बोनिल्स में तो बॉन्डिंग जो होती है, फर्स्ट बॉन्डिंग जो नॉर्मली हमने पढ़ी है तो वो होती है, फर्स्ट अगर बात करें मेटल टू लिगेंड टू मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन
लिगेंड टू मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसको हम कैसे शो करते हैं, लिगेंड से मेटल को, जो लॉन्ग पेयर है लिगेंड के, वो मेटल को डोनेट किए जा रहे हैं. तो लिगेंड टू मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है? तो लिगेंड टू मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या क्राइटेरिया होता है? सबसे पहले जो लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन, जो लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर रहा है. इसका मतलब जो लिगेंड है, लिगेंड शुड हैव फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो उसके पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो फिल्ड होने चाहिए. अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड में क्या होता है कि जो मेटल है वो वैकेंट होना चाहिए, यानी कि लिगेंड जो है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल को. तो मेटल के पास, मेटल शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल. तो मेटल के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और लिगेंड के पास एक फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए जो कि वो मेटल को दे सके. उसके बाद अगर बात करें, एनर्जी कंपेरेबल होनी चाहिए. उसके बाद अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें, तो सिमेट्री शुड बी मैच. तो इसके फोर पॉइंट है. अगर फर्स्ट की बात करें, मेटल शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल टू एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड. तो लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो वैकेंट ऑर्बिटल में आ सके. ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ऑर्बिटल होना चाहिए. उसके बाद सेकेंड बात करें लिगेंड की, लिगेंड शुड हैव फिल ऑर्बिटल. तो लिगेंड के पास फिल ऑर्बिटल होना चाहिए और मेटल के पास वैकेंट होना चाहिए. अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, तो इसमें क्या है कि एनर्जी जो है वो कंपेरेबल होनी चाहिए. एनर्जी शुड बी comparable, energy should be comparable. और fourth point है symmetry should be changed, symmetry should be, symmetry should be same. जो symmetry है वो सेम होनी चाहिए. तो ये था लिगेंड टू मेटल फॉर्मेशन, जो जनरली सभी मेटल कार्बोनेट्स में होगा. इसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड की, तो सेकेंड क्या है वो यहीं से दिखा देते हैं. सेकेंड जो है वो क्या होगा, वो होगा बैक पाई बॉन्डिंग. सेकेंड जो है बॉन्डिंग वो क्या होगी, बैक पाई बॉन्डिंग. बैक पाई बॉन्डिंग, तो बैक पाई बॉन्डिंग में क्या होगा, मेटल टू लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा. यानी कि मेटल बैक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, लिगेंड को. तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा. तो जो मेटल है अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके पास फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए. मेटल शुड हैव फिल्ड ऑर्बिटल और लिगेंड should have vacant orbital. अगर ligand metal से electron ले रहा है तो उसका मतलब उसके पास एक vacant orbital होना चाहिए. और अगर metal ligand को वापस electron donate कर रहा है तो ligand के पास vacant orbital और metal के पास filled orbital होना चाहिए. यानी कि इतनी electron density होनी चाहिए metal के पास कि वो ligand को donate कर सके और वो bond बना सके metal to ligand. तो ये two types के bond है, metal to ligand बॉन्ड हो गया. और पहला था लिगेंड टू मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन. अगर हम इसमें बात करें बैक बॉन्डिंग की, तो बैक बॉन्डिंग जो है काफी इंपॉर्टेंट है नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है और 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन बन सकता है बैक पाई बॉन्डिंग से. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे बैक पाई बॉन्डिंग. तो बैक पाई बॉन्डिंग के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि बैक पाई बॉन्डिंग के लिए क्या क्राइटेरिया होगा. तो इसमें हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ बैक पाई बॉन्डिंग. तो देखिए, उससे पहले आपको कुछ चीजें समझनी है. ठीक है, बैक पाई बॉन्डिंग से पहले आपको देखिए एक चीज देखना है कि बैक पाई बॉन्डिंग क्या होती है. बैक पाई बॉन्डिंग आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इनऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा बैक पाई बॉन्डिंग. तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि मेटल जो है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको, लिगेंड को. इसका मतलब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होनी चाहिए, यानी कि जो मेटल है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए. अगर मेटल खुद ही हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा लिगेंड को. इसका मतलब मेटल जो है लो ऑक्सीडेशन
किसी स्टेट में होना चाहिए या फिर उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, सो डेट की उस पर क्या हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी हो कि वो बैक डोनेट कर सके लिगेंड को। अगर हम बात करें लिगेंड हमारे पास मेटल कार्बोनिल में लिगेंड कौन सा है, CO। अगर CO की बात करें तो वो ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है मेटल से, तो ऐसा क्या होगा, ये जो है ये लिगेंड टू मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है। अगर हम बात करें बैक बॉन्डिंग की तो मेटल तभी CO को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा जब मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। और दूसरी बात, अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मान लीजिए इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये डोनेट कर रहा है किसको, सी को, तो कार्बन को अगर ये कार्बन की पाई मेटल अगर पाई स्टार CO में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये वाला जो बॉन्ड है MC बॉन्ड, यानी कि इसमें टू टाइप्स के बॉन्ड हो गए हैं, ठीक है, टू टाइप्स के बॉन्ड है, एक तो है M और कार्बन का बॉन्ड है, मेटल कार्बन बॉन्ड है और एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, टू टाइप्स के बॉन्ड है। जैसे ही बैक बॉन्डिंग होगी, ये अगर हम बात करें बैक पाई बॉन्डिंग अगर होगी तो बैक पाई बॉन्डिंग से क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है मेटल कार्बन बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा, मेटल कार्बन बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, और कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा। स्ट्रांग का मतलब है कि बॉन्ड क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, और अगर वीक की बात करें तो जो मेटल का बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, लॉन्गर हो जाएगा, मेटल का बॉन्ड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लॉन्गर हो जाएगा। अगर हम बात करें सेकेंड उसकी मेटल टू लिगेंड बैक पाई बॉन्डिंग की, तो सिंपली आपको पता है कि इसमें कितने होंगे, मेटल टू लिगेंड बैक बॉन्डिंग अगर होगी तो उसमें कितने टाइप्स के बॉन्ड होंगे, उसमें टू टाइप्स के बॉन्ड होंगे। इसको देख लेते हैं, कॉन्सिक्वेंस ऑफ बैक पाई बॉन्डिंग, कॉन्सिक्वेंस ऑफ बैक पाई बॉन्डिंग, बैक पाई बॉन्डिंग के कॉन्सिक्वेंस अगर देखें तो हमने सिंपल अभी देखा है कि मेटल और कार्बोनिल में टू टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, एक तो M मेटल कार्बन बॉन्ड होता है और सेकंड जो होता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें कि अगर मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल अगर इंक्रीज हो रही है, मेटल डेंसिटी ऑन मेटल इंक्रीज हो रही है, उसका मतलब क्या है कि मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, उसका मतलब क्या है, बैक पाई बॉन्डिंग होगी, बैक पाई बॉन्डिंग इंक्रीज होगी, बैक पाई बॉन्डिंग इंक्रीज होगी, बैक पाई बॉन्डिंग इंक्रीज होगी, तो उससे क्या होगा, इन दोनों बॉन्ड्स पे क्या फर्क पड़ेगा, उससे क्या होगा, मेटल और कार्बन बॉन्ड क्या हो जाएगा, उससे क्या होगा, मेटल कार्बन बॉन्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रांग हो जाएगा, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, इसका मतलब कि वो सॉल्ट हो जाएगा, और जो दूसरा बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, लॉन्गर हो जाएगा। ये है इन केस ऑफ बैक पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मैटर इंक्रीज हो रही है। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल अगर डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल अगर डिक्रीज हो रही है, सो डेट उससे मतलब क्या है कि बैक पाई बॉन्डिंग डिक्रीज हो रही है, यानी कि बैक पाई बॉन्डिंग कम हो रही है या फिर बैक पाई बॉन्डिंग नहीं हो रही है। तो बैक पाई बॉन्डिंग डिक्रीज हो रही है, बैक पाई बॉन्डिंग डिक्रीज होने से क्या हो रहा है, बैक पाई बॉन्डिंग डिक्रीज होने से सबसे पहले मेटल और जो कार्बन का बॉन्ड है, यानी कि जो यहाँ पर बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, लार्जर हो रहा है, इनके बीच में जो ओवरलैपिंग है वो क्या हो रही है, वो कम हो पा रही है, तो ये बॉन्ड जो क्या हो जाएगा, अब ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, मेटल कार्बन बॉन्ड वीक हो जाएगा, यानी कि वो लॉन्गर हो जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें सेकंड बॉन्ड की, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड, वो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग यानी कि वो सॉल्ट हो जाएगा। तो ये जो था बैक पाई बॉन्डिंग के कॉन्सिक्वेंस में, आपने देखा कि टू टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, मेटल कार्बन बॉन्ड होता है, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड होता है। अगर मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो बैक पाई बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी, एम मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल डिक्रीज हो रही है, उसका मतलब है कि बैक पाई बॉन्डिंग जो है वो डिक्रीज हो रही है और मेटल कार्बन बॉन्ड जो है वो वीक हो रहा है और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। तो ये दो पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं।
इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। अच्छा, इससे पहले एक और चीज देखते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल इंक्रीज हो रही है, मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे जैसे मेटल पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डी इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेंगे, और डी इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होगा कि जो मेटल का ऑर्बिटल है या डी ऑर्बिटल है वो क्या होने लगेगा, वो एक्सपेंड होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। जैसे ही वो एक्सपेंड होने लगेगा वैसे ही क्या होगा कि पाई बैक बॉन्डिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होने से क्या होगा कि मेटल कार्बन बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा, यानी कि उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा, वो क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होने लगेगा, वीक होने लगेगा, वो क्या हो जाएगा, लॉन्गर हो जाएगा। अगर हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर मेटल पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से क्या होगा, जो डी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे, यानी कि जो डी ऑर्बिटल है वो कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, और उससे क्या होगा, ओवरलैपिंग कम हो जाएगी मेटल और कार्बन के बीच, इतनी अच्छी मेटल और कार्बन के बीच इतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, तो बैक पाई बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, बैक पाई बॉन्डिंग घटेगी, और जैसे ही बैक पाई बॉन्डिंग घटेगी वैसे ही क्या होगा, मेटल कार्बन बॉन्ड जो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, लॉन्गर हो जाएगा। अगर मेटल कार्बन बॉन्ड वीक हो गया है, लॉन्गर हो गया, तो उसका मतलब है कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये था बैक पाई बॉन्डिंग का रोल, जो हमने देखा है कि मेटल और कार्बन बॉन्ड पे क्या इफेक्ट पड़ता है और कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू।